हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2-3 दिन से व्लॉग्स अपडेट नहीं किए क्योंकि आई वाज सुपर बिजी। मेरे कज़न की इंगेजमेंट भी है एक, और एक कज़न की शादी भी है, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी और परी को संभालना, बहुत ज़्यादा मेरी हैक्टिक हो रहा था। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ व्लॉग टुडे, आज से। वैसे भी मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया था, मेहंदी थी कल मेरी कज़न की। पहले बाइक वाला गुजर जाए। अच्छा, मेहंदी थी मेरी कल कज़न की, और आज एक कज़न की इंगेजमेंट है, तो बस उसी में मसरूफ़ हूँ। परी को अभी मैंने बात दिलाया है, फीड करवाया है, वो सो गई है। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ, सो बस आई जस्ट गॉट डन विथ वर्क। और अभी हाई, ओ यू कांट सी मी, हाई। तो अभी बस मैं जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ईट समथिंग। कमरे का जो है वो हशर हुआ हुआ है एज़ यू ऑल कैन सी। और परी जो है वो अपने दादा अबू के पास है। ये बिलाल मेरे लिए नाश्ता बना के गए थे सुबह, बट मुझे नहीं नज़र आया, तो आई हैड अंडा पराठा। अब दोपहर में आई एम गोइंग टू हैव दिस एंड बस मैं व्लॉग लगाऊंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या पहनूंगी, बट स्टिल आई हैव टू थिंक कि परी को क्या पहनाना है। तो ये कल जो है मैंने और अम्मी ने मिल के पूरी वार्डरोब सेट की थी। और स्टिल जो है कुछ चीज़ें रहती हैं जो सही करनी है, क्योंकि मैं शॉपिंग पे गई थी विद मामा गुल प्लाज़ा, और उसके साथ साथ मैंने बिलाल के साथ भी जाके बच्चा पार्टी से शॉपिंग की थी। तो अब मुझे सॉर्ट आउट करना है। सर्दियों के कपड़े मैंने सबसे नीचे रखे हुए हैं एंड यस दैट्स माय वैनिटी बॉक्स, लेकिन इसमें मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ। उसके ऊपर जो है सारे इसके लाइक जो होते हैं न्यू चीज़ें एंड ऑल, और इसमें जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। तो पूरी वार्डरोब को मैंने सेट करना है। कल मैंने और अम्मी ने मिलकर इसकी सारी फ्रॉक सेट की थी, तो आई एम थिंकिंग कि आज जो है परी को ये पहना दूँ, दिस वन। आज इंगेजमेंट है तो आई एम थिंकिंग कि ये वाली पहना देती हूँ, बट ये अभी स्टिल थोड़ी ढीली क्योंकि शी इज़ जस्ट 2 मंथ्स ओल्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस बिलाल के जो कपड़े हैं वो डिसाइड नहीं हो रहे थे, तो ये मैंने डिसाइड किया कि ही इज़ गोइंग टू वेयर दिस कुर्ता शलवार एंड मैं, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, बस रिलैक्सिंग से। और दिस बाथरोब फ्रॉम काका गारमेंट्स कुल प्लाजा परी के लिए, और बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा है। आई एम थिंकिंग टू डू अ क्लोदिंग हॉल बेबी का, जिसमें आई विल बी शोइंग यू गाइस कि मैंने क्या क्या चीज़ें शॉपिंग की हैं, क्या मतलब क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, कहाँ से ख़रीदी हैं और कितनी रेंज में मुझे मिली है सब कुछ। हाँ तुम आ सकते हो मेरे व्लॉग में, तुम्हें इजाज़त है, समझ आइए। मुझ पे बहुत प्रेशर है तालिया। किस चीज़ बंधन के मुतियाराया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके, बंधन के मुतियाराया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके, मेरे सोने आ सोने ये स्प्रे ले लो।
तो बस फिर इंगेजमेंट के बाद क्या था, खाना खुलना था और खाना खुल गया। और सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ बताऊँ क्या थी, वो थी बिरयानी, टिक्का बिरयानी। मतलब मेरी फेवरेट थी, मतलब मुझे इतना नहीं पसंद खाना बिरयानी, लेकिन वो बिरयानी ऐसी थी कि बंदा, कोई बंदा रेजिस्ट नहीं कर सकता, कि बस हविस वाली बिरयानी थी। मतलब खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। खैर लेकिन थोड़ी सी खाई थी। और एज़ यूजल जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो आपको पता है कि परी जो है उसको उठना होता है, उसको रोना होता है, उसको धोना होता है। तो बस फिर मैं उठी, उसके लिए पहले मैंने फीडर बनाया, दैन मिलाल और मैंने जो है सबसे पहले बिरयानी डाली, बिरयानी खाई। उसके अलावा कपल माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में चीज़ें कुछ भी अच्छी लग रही हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बस और कैसा महसूस कर रहे हैं मामू आप? बहुत गिल्टी सा फील कर रहे हैं, गार्डन सा लग रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया माशाल्लाह से। और अब जो है मैं घर जाने के लिए निकल गई थी, कोई ख़ास पिक्चर्स वगैरह तो ली नहीं, इतना ख़ास टाइम तो मिला ही नहीं था। हाँ आई थिंक फोटोग्राफर ने मेरी और बिलाल की 2-3 तस्वीरें ली थी, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं और बिलाल निकल गए हैं घर जाने के लिए, और परी जो थी वो फूफो के पास है, और ये मैंने 2 फूल जो थे वो चोरी कर लिए थे वहाँ से। खैर चोरी तो नहीं, मैंने पूछ के उनसे लिए थे कि क्या मैं ले सकती हूँ, हालाँकि ये आर्टिफिशियल फूल थे लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने कहा लेती हूँ। फ्रॉम माई कजन्स इंगेजमेंट। तो ये वाला ड्रेस जो है आई थिंक मेरे मामा ने मुझे ईदी में दिया था, और ये एल्डन रूप का है। और ये, और बस व्लॉग को एंड करने से पहले एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए, जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ कि यार प्लीज़ हमें मत लो, हमें मत लो, हमें नहीं आना तुम्हारी वीडियो में, यार तुम लोगों को कोई ले भी नहीं रहा। मैं व्लॉग अपना शूट कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे दिन गुजारती हूँ, मैंने वीकेंड पे क्या किया, मैंने वीकडेज में क्या किया, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कहाँ आती हूँ। आप लोगों की मुंडियाँ कट जाती हैं, सही है? मतलब मैं आधा हिस्सा लेती हूँ, या तो मैं ब्लर कर देती हूँ या तो मैं स्टिकर लगा देती हूँ। तो प्लीज़ बार बार ये बोल के दिमाग की दही ना किया करें कि हमें नहीं लें, हमें नहीं लें, ओ भाई हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना, हमें नहीं आना तुम्हारे शूट में या तुम्हारे व्लॉग में, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सही है? तो आई होप जो लोग देख रहे हैं और जो लोग पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग जो है ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली। और अगर कोई ऑनेस्ट सजेशन देना है तो आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन नीचे है। लेकिन उससे पहले लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके।